बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ टमाटर गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसके लिए हम एक चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच जीरा, डेढ़ चम्मच पिसा हुआ हरा धनिया, दो चम्मच लहसुन पेस्ट और दो चम्मच अदरक पेस्ट, इसके साथ ही 4 से 5 अदर टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें, 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए ले लेंगे और इसके साथ ही 1 किलो गोश्त ले लेंगे। उसके बाद एक पतीले में 1 कप के बराबर ऑयल डाल लेंगे और उसमें प्याज डाल देंगे। और साथ ही इनमें गोश्त भी डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज और गोश्त अपना कलर चेंज करेंगे, हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से गला लेंगे। जैसे ही हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा, हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और इसके साथ ही सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे और टमाटर का पेस्ट बनाकर इसमें डाल देंगे और इसकी भुनाई करना शुरू कर देंगे। भुनाई करते वक्त हम साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी डाल देंगे और उसमें अच्छे तरीके से चम्मच हिलाते रहेंगे। उसके बाद इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें 1 गिलास और पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा और पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से ग्रेवी तैयार हो जाए। अब हमारी डिश बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये थी हमारी टमाटर गोश्त की रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।